आप लोग को बताने वाले हैं कि आप अपनी प्लेलिस्ट से कैसे अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एपिसोडिक, मतलब है कि किसी एक टॉपिक पे जिस पे भी आप वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो कई पार्ट में बनाने पड़ेंगे। जैसे आप सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो सी लैंग्वेज के हर चैप्टर का अलग वीडियो बनेगा और उसमें उसका नाम सेम रखते हुए उसको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जब आप बनाइएगा तो आपका वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे और पुराने वीडियो भी देखेंगे। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पीछे के वीडियो भी लोग देखेंगे एज वेल एज न्यू वीडियो भी देखेंगे। तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी और उस वीडियो के नाम ऐसे रखने पड़ेंगे जो सेम तो हो लेकिन उसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जुड़ा हो। तो सेम नाम जब आप रखिएगा तो वीडियो के लिस्ट जो होगी वो आपकी ज़्यादा व्यूज में आएगी और लोग ज़्यादा देखेंगे। और उसका डिस्क्रिप्शन और टैग भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए और अंदर टॉपिक होना चाहिए। अब वो कैसे होगा हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमने बहुत सी प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें प्लेलिस्ट में जाइए। अब जैसे हमने सी में भी प्लेलिस्ट बनाई और कैनवा में भी बनाई है, तो कैनवा में भी आजकल हम लेटेस्ट बना रहे हैं तो इसलिए हम कैनवा ही में आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ से दिखा देते हैं। इसमें देखिए जैसे पार्ट वन हमने क्या बनाया है, क्रिएट इजी कैनवा वीडियो पार्ट वन, और फिर वीडियो को हमने एडिट किया है तो उसको पार्ट टू बना दिया, हाउ टू एडिट अ वीडियो इन कैनवा पार्ट टू। इसको हम ये भी लिख सकते थे कि हाउ टू क्रिएट इजी कैनवा वीडियो, हाउ टू एडिट इजी कैनवा वीडियो पार्ट टू। तो उसको सेम नाम रखते हुए जब पार्ट वन, पार्ट टू आप रखिएगा तो लोग ढूंढेंगे कि दूसरा पार्ट उसका कहाँ है अगर वो इंटरेस्टेड होंगे। अब जैसे इसमें किया है कैनवा मैजिक शॉर्टकट्स आर सो कूल, अब पार्ट वन, अब उसका कैनवा मैजिक कीबोर्ड शॉर्टकट पार्ट टू। तो पार्ट वन और पार्ट टू जब बन गया तो पार्ट वन अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो पार्ट टू देखेंगे और अगर पहले पार्ट टू देख लेंगे तो वो पार्ट वन देखेंगे। तो आपस में वीडियो को आपको इंटर रिलेट करना है, तो जब इंटर रिलेट आप करिएगा तो आपके ज़्यादा वीडियो लोग देखेंगे और ज़्यादा देर आपको वॉच टाइम मिलेगा। तो इस तरह से प्ले लिस्ट बनाना जरूरी है और उसका वीडियो का प्रॉपर नाम रखना जरूरी है और उस वीडियो के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और टैग भी लगाने जरूरी है। अगर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और टैग होगा, रिलेटेड होगा एक दूसरे वीडियो से, तो आपका वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि लोग उसको देखें। प्लेलिस्ट के साथ साथ आपको कार्ड और एंड स्क्रीन का भी यूज करना पड़ेगा। अब एंड स्क्रीन का कैसे यूज करेंगे, अगर आपने पार्ट वन लिया है तो उसमें पार्ट टू की लिस्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैनवा में हम चलते हैं उस वीडियो में जिसको एडिट करते हैं, जिसको यहाँ से ढूंढ लेते हैं कैनवा में, कैनवा किया आपने तो यह आया हाउ टू मेक अ टॉकिंग, ये है हाउ टू एडिट वीडियो इन कैनवा पार्ट टू। अब इसको हम लोग एडिट करते हैं, तो एडिट करेंगे तो इसमें एंड स्क्रीन जब लगाना होगा तो हम पहले वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एडिट वीडियो इन कैनवा करने से हम यहाँ पे एंड स्क्रीन में जब जाएंगे तो हम दे देंगे हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे एंड स्क्रीन में जब जाएंगे तो यहाँ पर दे देंगे How to create video in Canva। तो एंड स्क्रीन में हम How to create video in Canva दे देंगे और आई कार्ड में हम पूरी Canva की प्लेलिस्ट दे देंगे। देखिए क्रिएट इजी Canva वीडियो पार्ट वन आ गया यहाँ पे, और भी आप अपने वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं, Canva मैजिक कीबोर्ड भी डाल दिया हमने। अब इसको हम लोग वापस चलते हैं एंड स्क्रीन में, हमने और भी वीडियो लगा दिए Canva के, तो वो अगर मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो उस वाले वीडियो को भी देखेगा। अब इसके अलावा वीडियो में जब आप यहाँ पर एंड स्क्रीन के अलावा आई कार्ड भी लगाते हैं तो इससे भी आपका व्यू बढ़ता है।
आई कार्ड भी लगाएंगे। अब आई कार्ड कैसे लगाते हैं, जो न्यू कमर है हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन जो न्यू कमर हो सकता है उनको नहीं पता हो कि कार्ड क्या होता है। तो आप यहाँ पर जाइए और कार्ड में जा करके अपनी प्लेलिस्ट को लगा दीजिए, या आपको पर्टिकुलर कोई वीडियो देना है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपकी वीडियो वो देख लेगा। देखिए हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट कैनवा लगाया है, जिससे कि वो जितनी भी कैनवा की वीडियो है अगर वो देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो हमने थंबनेल पे वीडियो बनाया है, लोगो पे वीडियो बनाया है और बहुत सी चीज़ों पे वीडियो कैनवा में बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है YouTube पे 4K व्यूज कैसे प्राप्त करें। तो जब आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो अपने व्यूअर्स को प्रमोट करते हैं कि वो आपकी और वीडियो भी देखें, तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो जरूर देखेगा। अब 4K व्यूज लाने के लिए हमें चैनल पर रेगुलर रहना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी से अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ेगा। अब कब अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अब हम कंप्यूटर अगर पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर पे तो दे ही रहे हैं, उसमें AI पे दे सकते हैं, मशीन लर्निंग पे दे सकते हैं और बहुत से ऐसी जनरल टॉपिक पे दे सकते हैं जिसकी प्रॉब्लम हम लोग वीडियो बनाते समय साउंड इंक्रीज करने के लिए प्रॉब्लम के पे दे सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम जो हम यूट्यूब पे फेस करते हैं उस पर भी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वीडियो बना सकते हैं। और YouTube के एल्गोरिदम को समझना जरूरी है कि किस समय वो मेरे वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है, किस समय नहीं करता है। फिर उसमें वीडियो से रिलेटेड हैशटैग लगाना आना चाहिए। हैशटैग के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अपनी कैटेगरी के यूट्यूबर को मेंशन करना होता है। उसको मेंशन करने से क्या होगा कि उसके नीच में आपका भी वीडियो दिखेगा और इससे अगर उसका वीडियो कोई देखता है तो आपका वीडियो भी देख लेगा। थंबनेल जो है वो क्लिक बेट वाला बनाना चाहिए और एक से दो बार लाइव जरूर करना चाहिए। जो हमने गलती की, हमने लाइव शुरू से नहीं किया और उसका रीजन ये था कि पहले अलाउड नहीं था कि 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी आप लाइव कर सकते हैं, और मेरे सब्सक्राइबर बहुत लेट हुए थे जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए थे। यूट्यूब पर व्यू कैसे और बढ़ाएं, इस पर भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस को डालिए, लोगों के पास भेजिए, और जिससे आप बहुत अच्छे से जानते हो और पता है कि वो जरूर आपका वीडियो देखेगा। कमेंट पर रिप्लाई जरूर करें, जो भी वीडियो में आपके पास कमेंट आता है उस पर रिप्लाई जरूर करिए। अपने चैनल को ब्लॉग बनाइए। ब्लॉग बनाने से क्या होगा, वहाँ से बैक लिंक बन सकेगी और आप अपने वीडियो को प्रमोट कर पाइएगा। अब बैक लिंक क्या होती है इस पर भी हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसमें। अच्छे टैग का इस्तेमाल करें। अब अच्छे टैग का क्या मतलब है कि आपके वीडियो से रिलेटेड जितने टैग हैं वो बनाइए। तो टैग दो तरह का होता है, आपका लॉन्ग टैग और स्मॉल टैग। तो लॉन्ग टैग जो होता है वो पूरे पूरे लाइन का होता है और स्मॉल टैग जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। स्मॉल टैग मीन्स है जैसे कि यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग बनाएं तो यूट्यूब अलग लिखें, चैनल अलग लिखें, के लिए अलग लिखें, ब्लॉग बनाएं अलग लिखें। तो छोटे छोटे वर्ड में हर वर्ड को गूगल ढूंढेगा और आपका सर्च बढ़ जाएगा। थंबनेल अट्रैक्टिव बनाए हम बता ही चुके आपको। कीवर्ड के साथ डिस्क्रिप्शन जरूर दें। कीवर्ड के साथ डिस्क्रिप्शन देने से क्या होगा, आपका सर्च इंजन में वीडियो रैंक करेगा। और ट्रेंडिंग टॉपिक पर ध्यान दें। अब ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है, जो जनरल करंट में लोग जिस टॉपिक को ढूंढ रहे होते हैं उस टॉपिक पे जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक कहलाता है। हमसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, हाउ कैन आई बूस्ट माई यूट्यूब प्लेलिस्ट, हाउ डू यू गेट 1K व्यू ऑन यूट्यूब, हाउ कैन आई बूस्ट माई यूट्यूब चैनल फॉर फ्री। तो इस बहुत से क्वेश्चन प्लेलिस्ट से रिलेटेड पूछे गए। लोग प्लेलिस्ट पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लोग प्लेलिस्ट बनाते ही नहीं, लेकिन प्लेलिस्ट बनाने से ये होता है कि आपकी एक टाइप की वीडियो डिफरेंट प्लेलिस्ट में रखी रहती है। जैसा कि आपको अभी हमने दिखाया कि प्लेलिस्ट जब आप जाते हैं वहां पे
तो अपने हर टॉपिक के हिसाब से प्लेलिस्ट बना लेते हैं। जैसे हमने बनाया यूट्यूब पे, गूगल क्रोम के ऊपर है, यूट्यूब एडिटिंग के ऊपर है, कैसे एडिटिंग करें, शॉर्ट वीडियो पे है, टिप्स एंड ट्रिक अलग है, कैनवा अलग है, कोलैब अलग है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अलग है, तो आपके वो टॉपिक सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट में हो जाते हैं। और जब वो व्यूअर आपके उस पर जाएगा चैनल पे, तो उस प्लेलिस्ट को ही खोलेगा जिसकी उसको ज़रूरत है, उसको सारे वीडियोज़ में आपकी वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जल्दी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएगा और बार बार आपके चैनल पे प्लेलिस्ट देखने ज़रूर आएगा। तो प्लेलिस्ट का ये फायदा कि एक टाइप की वीडियो आप एक जगह रख, जैसे हमने पाइथन, विंडो, गेट्स, क्विज और जनरल, यूट्यूब पॉलिसीज पे दिया है, HTML, CSS पे दिया है, JavaScript पे दिया है, C पे ट्यूटोरियल दिया है, और यूट्यूब में जो भी प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड भी वीडियोस पे बने हुए हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट जिस प्लेलिस्ट से पूरी हो उसको ज़रूर देखें। और एक जैसा नाम जब सीरीज में आप रखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे सी में हमने वीडियो बनाए हैं तो उसमें जितने ब्लू वाले वीडियो हैं वो प्रैक्टिकल सेशन के हैं, और जितने येलो वाले वीडियो हैं वो हमारे थ्योरेटिकल सेशन के हैं। व्यूअर्स को थ्योरी पढ़ाया है और एक दिन प्रैक्टिकल पढ़ाया है। तो इसमें देखिए सेशन वाइज हमने अपने वीडियो को डिवाइड किया है। अब इसमें रेड और ये वाला जो है ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल सेशन टू देखिए यहाँ पर आ गया है, अभी हम बहुत ढूंढ रहे थे तो 21 है, ये प्रैक्टिकल सेशन 21 है। हमने 22 वीडियोस बनाए हैं प्रैक्टिकल सेशन के, तो इसके देखिए सेशन 21, 20 इस तरह से करके हमने इसको नंबरिंग की है। तो वो सेशन नाम से फिर सी में यूनियन स्ट्रक्चर ये सारा चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उस पर जो भी सी लैंग्वेज पढ़ना चाहेगा वो आसानी से यहाँ से आके पढ़ सकता है। और इसके आगे का सेशन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम आगे का भी बना देंगे। इस तरह से बहुत सी क्यूरी हमने सॉल्व की है और कैसे अपने चैनल को बूस्ट करिएगा आप, ये सब हमने इसमें बताया है। प्लेलिस्ट पे जाने से आपका व्यू बढ़ेगा और ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे, और अपनी टॉपिक के हिसाब से भी प्लेलिस्ट आपकी यूज़ करके आपकी वीडियो देखेंगे, इससे आपका व्यूज बढ़ जाएगा। और आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें ग्रुप भी बना हुआ है, चैनल भी बना हुआ है, और उसमें अगर आपका नहीं पहुँच पा रहा है तो टेलीग्राम को पहले इंस्टॉल करिए तब आप पहुँच पाइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और आगे अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल। थैंक यू।